आज का हमारा कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन जो प्लान है वो ये है कि हम लोग जाएंगे एक्शन कैम को, बाइक के ऊपर टेस्ट करेंगे कि मोटो व्लॉगिंग के लिए कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, और उसके अलावा फिर कुछ खाएंगे भी, उसका रिव्यू भी देंगे आपको। तो सीन अभी ऑन है, मेरे साथ बैठा है अभी अफजल और हम लोग वेट कर रहे हैं उस्मान का। सो हियर इज उस्मान। उस्मान अभी आ चुका है, हम तीनों बैठे हैं, अभी प्लान करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। कोशिश कर रहे हैं हम या फिर छोटा मोटा प्लान बनाएं या फिर कुछ हैवी करें। प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, हम लोगों ने एक्शन कैम टेस्ट करना था और खाना खाना था, लेकिन उस्मान भाई के कहने पे अब हम जाएंगे मालूम मुल्तान, कुछ खाने नहीं, पता नहीं क्या करना। तो फर्स्ट टाइम एक्शन कैम यूज़ कर रहे हैं बाइक के ऊपर, इस वजह से मसला आ रहा है थोड़ा एंगल वगैरह का। तो मोबाइल के ऊपर होना पीछे स्क्रीन, अफजल बता रहा है कि कैसा मतलब एंगल वगैरह आ रहा है, मसला वगैरह आ रहा है तो थोड़ा बहुत सही करवा रहा है, वैसे आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा सीन। हमारा हारन ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। और नहीं नहीं आगे से। तो अभी मालूम मुल्तान आ चुका है और इतनी दूर गाड़ी करनी है भाई, उधर तक खत्म कर दिया भाई। ओहो हेलमेट किधर रखे हैं? ये बेसमेंट में। हेलमेट अभी सबसे ऊपर वाली मंजिल टॉप फ्लोर, यहाँ पर फूड कोर्ट में आ चुके हैं। खाने के लिए सारा कुछ मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से खाना नहीं, क्योंकि हम लोगों को जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जब यहाँ से मूड होगा तो दोबारा हम यहाँ से आ चुके, अभी चलते हैं। तो हम लोग मालूम मुताबिक से अब जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए। पता नहीं ये लोग यहाँ पर करने क्या है, इतनी देर सदीकी कढ़ाई का किसको नहीं पता, हम लोग इस वक्त बैठे हैं सदीकी कढ़ाई पर। तो अगर आप लोग नहीं आए कभी तो आप लोग आना, अभी हम मज़ीद टेस्ट करके बताते हैं आपको फिर टेस्ट कर। मुझे तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, इनका तो पता नहीं है। मुझे भी भाई बहुत ज़्यादा, इनका अंदाज़ा हो गया क्योंकि इन्होंने पूछा भी नहीं और शुरू भी कर दिया इन लोगों ने। ज़्यादा मतलब भाई टेस्ट कैसा बताओ, ऐवें झूठी तारीफ करोगे सच्ची में? क्या क्या है? मैंने कहा यार जैसी भी इसमें बहुत भूख लगी पर बहुत मजा आया। शान भाई कैसा टेस्ट है? आज काफी दिनों के बाद सदीकी से कढ़ाई खाई है, मक्खनी कढ़ाई। यार ये चीज़ गलत है कि हम लोग खाना खा रहे हैं और रोटी बहुत देर से आ रही है, वो ख़त्म हो रही है, गलत मज़ा नहीं आ रहा यार, गलत कर रहे हैं। तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, अब हम ओवरव्यू देंगे कि हम लोगों को खाना कैसा लगा है और इसके अलावा जो भी मतलब ओवरऑल सारा सिचुएशन वगैरह थी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में कि ये नई ब्रांच खुली है, पहले वाली ब्रांच जो थी वो इतनी खूबसूरत नहीं बनाई थी, यहाँ पर इन्वायरमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया है।
लेकिन सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की सर्विस पहले की नस्बत थोड़ी सी कम लगी है। मतलब कि रोटी के लिए हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, रोटी नहीं आ रही, हम बैठे हुए हैं, मज़ा सारा ख़राब हो गया। हमने कहा भी था कि बोटियाँ ज़रा साफ़ डालनी है, लेकिन वहाँ पर हड्डियाँ वगैरह ज़्यादा डाली थी तो मज़ा नहीं आया इस चीज़ का। बाकी ये है कि हमारे जो साथ भाई बैठे हैं इनसे भी थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि ये भाई क्या ख्याल कर रहे हैं इस बारे में। लोगों ने खाना खाया, आप बताओ यहाँ पर आपको कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना आपने टोटल। इधर की जो सर्विस थी ना यार, इन्होंने हमें बहुत हरामी सर्विस दी है। जैसा कि हमें रोटी की तरफ से रोटी बहुत लेट दी है, दूसरा जो इन्होंने चिकन दिया ना, इन्हें हमने कहा था ग्रेवी ज़्यादा रखनी, एक तो इन्होंने ग्रेवी ज़्यादा रखी, दूसरा जो जिन्होंने चिकन दिया वो बोटियाँ पता नहीं अजीब अजीब सी बोटियाँ डाल के दी थी। हाँ पहले ऐसा नहीं करते थे आप, पता नहीं क्या पहले इस तरह नहीं करते थे। अच्छा बहुत अच्छी सर्विस थी। और इनको हमने कहा था स्पेशल कोई सर्विस देना है, इन्होंने हमें लोकल सर्विस दी, कोई बाटा सर्विस देते हैं या कोई बोट जाने सर्विस हमें देते हैं, लोकल सर्विस हमें दे दी, इसलिए ना बस बाकी हमारा पेट फुल हो गया। तो मतलब ये कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अच्छा था, बुरा नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि पहले की सर्विस बहुत अच्छी थी उस हिसाब से हम लोग कह रहे हैं। सो उम्मीद है कि नेक्स्ट इससे ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब बात यह ना कि हम लोगों ने कहा था कि यार हमें इस तरह सर्विस चाहिए, तो उस तरह से नहीं दे रहे। चलो कोई बात, बोतल मौकी ये देखो, ये हमारे गुजर साहब ऐसे करने लगे। शुरू से शुरू करते हैं, मतलब इतनी शुरू से नहीं, वीडियो के शुरू में जब मैंने कहा था कि एक्शन कैम को टेस्ट करेंगे, इसके बाद कुछ खाएंगे, उसका रिव्यू देंगे, तो एक्शन कैम की बात करते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो इस वजह से थोड़ा एंगल वगैरह का मसला था, इसके अलावा भी थोड़ा इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तो मैंने जो चीज़ इसमें नोट किया वो ये है कि दिन में रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन रात के वक्त रिज़ल्ट वो बात नहीं है सही। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बैटरी नहीं सही, मतलब बैटरी टाइमिंग मज़ा नहीं करा रही। 1080p में वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी आज का जो व्लॉग बनाया वो इस तरह से बनाया कि बाइक के ऊपर एक्शन कैम यूज़ किया है, और जब हम माल में थे या खाना खा रहे थे उस वक्त हमने मोबाइल यूज़ किया। कैम से इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि माल के अंदर यूज़ नहीं करने देते कैमरा। अब उसका रिज़ल्ट कैसा है कैसा नहीं है वो आपके सामने ही है। एक्शन कैम की बात नहीं करेंगे, इसकी बात फिर करेंगे, करते रहेंगे कभी ना कभी, ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि यूज़ करना है तो फिर उसके बारे में बताते रहेंगे आपको। लेकिन अभी खाने की बात करते हैं। खाने में ये था कि कढ़ाई उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बट मसला ये है कि जो पहले था और अब है उसकी नस्बत काफ़ी डिफरेंस है। पहले इन्वायरमेंट वगैरह इतना ख़ास नहीं था, मतलब अच्छा था, देसी माहौल था, बट अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया उन्होंने, नई ब्रांच खोली है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट अच्छा है, बट फूड के हिसाब से देखा जाए तो मैं उस हिसाब से नहीं कह सकता कि वो टेस्ट या वो उस हिसाब से अच्छा था, बट पहले की नस्बत मैं कंपेरिज़न करके बता रहा हूँ उसी होटल का, उसी के साथ, किसी और के साथ नहीं कर रहा कि ये हड्डियाँ वगैरह नहीं ज़्यादा डालनी अपनी, लेकिन हड्डियाँ ही थी ज़्यादा। और हाँ, आपके सामने जो रोटी का मसला है वो बहुत काम ख़राब था, मतलब बैठे हम कह रहे हैं भाई दे दो यार प्लीज़, तुम्हारी मेहरबानी रोटी दे दो यार, तो काफ़ी देर बैठे हैं, आवाम भी बैठी देख रही है उनको क्या रोटी देख जाएंगे, एक रोटी रख के जाते थे काफ़ी देर के बाद। बाकी ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो अच्छा था, दोनों चीज़ों के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट फिर कभी कहीं और कुछ ट्राई करेंगे खाना वगैरह स्पेशल लोग, ये तो ऐसे ही बस फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, और हमने कोई इतना ख़ास वीडियो शूट भी नहीं की, बैटरी वगैरह भी कम थी, मोबाइल से शूट किया था। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, और अगर माइंड में कोई अच्छी बात आ रही है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं सबके साथ। होते हैं ना अंदर बैठ गए तब तो पता नहीं लगता, लेकिन जब बाहर रहते हैं तो पता लगता है कि बाहर कैसी सर्दी। नहीं, पहले भी सर्दी फील नहीं हो रही होती, लेकिन खाने के बाद ज़्यादा लगती है।
क्योंकि हम बोतल पी चुके होते हैं।